झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए शुक्रवार को राहत भरी खबर आई। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। और आज की इस बड़ी खबर का झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। इस साल के अंत तक झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। अपने नेता के जेल से बाहर आने के बाद वे एक संदेश देने का प्रयास करेंगी कि हेमंत सोरेन को गलत तरीके से फंसाया गया था, जैसा कि वे हमेशा से कहते नजर आते रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन की कमी साफ महसूस की गई। हालांकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला था और 5 सीट गठबंधन के खाते में आई। अब देखना होगा कि गठबंधन और सरकार का पावर सेंटर कौन होता है। वही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के साथ बातचीत करने में आसानी होगी। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और राजद की मिली जुली सरकार है। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर भी वे जेएमएम को मजबूती दे सकते हैं। अब वे जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो प्रदेश में घूमकर जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे और हालात के बारे में जानकारी लेकर वे विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर सकेंगे। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि सरकार और पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अभी केवल जमानत मिली है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रभात खबर। शुक्रिया।